20.1.16 बिटनेट देखने को मिल जाता है। मैं इसी के अंदर यहाँ पे सेव कर रखा हूँ, आप देखिए गूगल अकाउंट, एमआई अकाउंट, ये सब सेव हो रखा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चेक करना चाहते हो, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो रखा है, आप बड़े आसानी से जान पा रहे हो। अगर मैं इसी के अंदर अपग्रेड करना चाहता हूँ, कोई अपडेट आया मेरे सामने ऑनलाइन में, मैंने उसको अपने मेमोरी कार्ड में सेव किया या पेन ड्राइव में सेव किया, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसको कैसे अपडेट करेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट एक वर्जन है हमारे पास 20.3.12, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 20.1.16 है और वो मेरे पास 20.3.12 वाला वर्जन है। इसको इसके आगे अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट वगैरह मेरा जो ज्वाइनिंग है यानी कि साइन। अभी हम चलते हैं दोबारा, क्योंकि इसके अंदर हमने ट्यूटोरियल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, जब ये रोम क्लास किया होगा मैंने ऑलरेडी पिछले दिनों बताया होगा। तो मैं अभी फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया। और दोस्तों यार इस टाइप के वीडियो को लाइक आप जरूर कर दे रहे हैं कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनता है। मैं जानबूझ के ऐसे नहीं कि आप, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि व्यूज पाने के लिए ये फालतू की वीडियो लेके आता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर उनके मुंह में तमाचा मारिए, क्योंकि ऐसे मेरा मकसद नहीं है। जब डिवाइस ले रखे हैं तो इसके ऊपर सारे सपोर्ट आप लोगों को देना चाहिए। यहाँ पे पावर बटन और साथ में वॉल्यूम ऑफ बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ताकि आपका फोन जो है टीटोलॉजी मोड में चला जाए। मोड में आ चुका है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है, मैं बार बार पीसी कनेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हर बार पीसी ओपन करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं पेनड्राइव के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। आपको आपको सेम फाइल, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अगर 20.3.12 वाला, तो ये वाला फाइल अगर आपको फ्लैश करना है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, या माउंट करके अपने पीसी इंटरनल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्वाइप टू अनलॉक करना है, माउंट पे जाना है और सिस्टम मेटाडाटा, ये सारे डिटेल्स को, ये माइक यूएसबी ओटीजी मैंने लगा दिया, इसको सब इनेबल करके बैक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सब कुछ यहाँ पे वाइप, यहाँ पे माउंट पे सब ओके करना है और वाइप बटन पे जाना है। वाइप पे आपको, अगर आपको अपग्रेड करना है, आपका इंटरनल जो पुराना डाटा हटाना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है, जहाँ पे आपका रोम सेव है उधर जाना है, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ रोम मेरा सेव है। देखिए मैं बता रहा था, अभी मेरे पास जो इंस्टॉल है 20.1.16 है, और जो अभी मैं फ्लैश करूँगा 20.3.12, तो इसी को मैंने टैप किया और सिंपल आप इसको यहाँ पे स्वाइप कर दिया, तो ये उसी के ऊपर पैचअप हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करना, मैं दिखाऊंगा क्या हमारा गूगल अकाउंट और एमआई अकाउंट हट जाता है कि नहीं, तो थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ जैसे ये फ्लैश हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो रोम है फ्लैश हो चुका है, हमें यहाँ पे बैक जाना है, दोबारा माउंट पे जाना है, यहाँ पे वेंडर को टैप करके बैक करना है, फिर इंस्टॉल करना है टीटोलॉजी जो परमानेंट है, क्योंकि हमें आगे भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम फ्लैश करते हैं। अभी बता दोस्तों बस इंतजार खत्म है, टीटोलॉजी भी फ्लैश हो गया। अब क्या करना है, हमें सिंपल हमें बैक करना है और यहाँ पे माउंट पे देख लेना है सब कुछ ओके है। अब हमें सिंपल यहाँ पे रिबूट और सिस्टम, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूँ पूरे जैसे स्टार्टिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा फोन जो है रीस्टार्ट हो गया और यहाँ पे मुझे वो सेटअप करना नहीं पड़ा, तो मैं जाके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स पे जाता हूँ कि हमारा फोन अपग्रेड हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए 11.2 बाय Xiaomi, उसके बाद 20.3.12, मैं जो बोला था कि आपको सिंपल वो में ऐसे करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना, और आप लोग डर जाते हो यार। यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट कनेक्टेड है और यहाँ पे मुझे गूगल अकाउंट भी कनेक्टेड है, ये आप करके देखना 100% आपको ये सक्सेस होगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई भी डाटा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गूगल अकाउंट हट जाता, नहीं तो एमआई अकाउंट हट जाता। तो ये सिंपल ट्रिक है, तो अगर आप ये कर पाओगे तो कर लेना, क्योंकि आप बाद में फिर मेरे को ब्लेम मत देना कि भाई आपने ऐसे ही बना दिया। तो दोस्तों अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक ध्यान रखना, अगर आपको कोई कस्टम रोम के ऊपर कोई क्यूरी करना है या जानकारी लेना है, तो मेरे यहाँ पे मैं बना रखा हूँ कस्टम रोम का जो प्लेलिस्ट, इसके अंदर आप जाके MI A3 का कस्टम रोम के ऊपर चेक कर सकते हो कि कौन सा डिटेल्स आपको चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए MI A3 के ऊपर ये डिटेल्स, इसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जो कि आपके रिलेटेड है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। हर बार आप सवाल मुझे करते हो, यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाओगे प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी टाइप का आप सेटअप बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बड़े साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।